हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पे क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इमेज को चेक करोगे कि क्या मेरा इमेज ACI मोड में है या NXOS मोड में है, ठीक है। तो अगर आपका स्पाइन पे या लीफ पे अगर ये इस तरह का आ रहा है ACI-9000, तो दैट मीन्स कि आपका जो इमेज है वो ACI इमेज है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप स्पाइन को और लीफ को कनेक्ट कर दोगे। देखो ये यही है जेम पोर्ट, ये 40 GB का, ये आपका नॉर्मल इथरनेट पोर्ट है। तो आप स्पाइन लीफ को कनेक्ट कर दिया, आपने क्या किया, आपने यहाँ एपिक कंट्रोलर लगा दिया, ऐसे करके आपने पावर ऑन किया। अब एपिक कंट्रोलर लगाओगे तो उसमें तीन चार तरीके की वो होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप फिजिकल कनेक्टिविटी कर लो, फिजिकल कनेक्टिविटी करने के बाद एपिक कंट्रोलर को कॉन्फिगर करने के तीन तरीके होते हैं। या तो आप कंसोल पोर्ट से कॉन्फिगर कर सकते हो, या तो आप CIMC के थ्रू कर सकते हो, या तो आप SOL करते हो, सॉफ्टवेयर ओवर लैन पोर्ट आता है एक, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो तीन तरीके होते हैं एपिक कंट्रोलर को कॉन्फिगर करने के। तो जैसे ही आपने स्पाइन लिया, लीफ लिया, एपिक कंट्रोलर की फिजिकल कनेक्टिविटी कर दी, आपने पावर ऑन किया, सबसे पहला काम होता है आपको एपिक कंट्रोलर को कॉन्फिगर करना, ठीक है। अब जो एपिक कंट्रोलर होता है, देखो ये सर्वर है, इसमें क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, एक कंसोल पोर्ट होता है, एक CIMC पोर्ट होता है, एक आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट होता है, इसमें मैनेजमेंट टाइप ही पड़ी होती है, ये एक विक कार्ड होता है, ठीक, और ये इन बैंड पोर्ट टू लीफ, ये जो पोर्ट होता है ये वाला, ये आपके लीफ में कनेक्ट होता है जाके, ठीक है। तो अब आपको मैंने जैसे बताया कि कॉन्फ़िगरेशन करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप कंसोल पोर्ट से करोगे, या आप मान के चलो आप CIMC से करते हो, या आप सीरियल ओवर लैन से करते हो, SOL से। सीरियल ओवर लैन की केबल आती है, SOL वाली केबल, आप उसको कनेक्ट कर लो और आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सबसे इजी मेथड तो होता है कंसोल पोर्ट, आप सीधे सीधे लगाए अपना कंसोल पोर्ट, अपना कंसोल केबल लगाया, लैपटॉप खरीद खींचा, आपको जो है पुटी किया, या फिर आप उस वाले पे कर लो। अगर किसी केस में आप कंसोल केबल नहीं ले पा रहे हो, मतलब आप बाहर हो कहीं, तो आप CIMC पोर्ट से कर सकते हो। तो CIMC पोर्ट पे क्या होता है, आप लॉगिन करोगे तो इसके ऊपर आप एक IP डालोगे, ठीक। IP डालने के बाद इसको सबनेट मास्क गेटवे डाल के इसको इनेबल करोगे और इसकी राउटिंग करा दोगे। तो दैट मीन्स कि आप CIMC पोर्ट से आप बाहर से भी, मतलब अगर आप फिजिकल सामने नहीं खड़े हो अपने एपिक कंट्रोलर के साथ, तो वाया CIMC भी आप कॉन्फिगर कर सकते हो। SOL का मतलब ये होता है कि अगर आपको कंसोल केबल अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपको किसी तरह से CLI मोड मिल जाए, मतलब काला काला जो स्क्रीन मिल जाए, तो आप SOL के थ्रू कर सकते हो। तो SOL को कॉन्फिगर करने का एक तरीका होता है, आप क्या करते हो, पहले CIMC पोर्ट के थ्रू लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप SOL पोर्ट को इनेबल करते हो। इस पोर्ट को इनेबल करने के बाद आप एक कमांड डालते हो, होस्ट कनेक्ट, ये कमांड डाल के आप इंटर करोगे, आपको कंसोल की तरह CLI मिल जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ कंसोल, आप इसके थ्रू लॉगिन कर रहे हो। तो पहला, तीन तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, एक कंसोल केबल के थ्रू जिसमें आपका लैपटॉप, आपका एपिक कंट्रोलर सामने सामने हो, कंसोल लगाया, पुटी से कर लिया, या आपको पहले के जमाने में हाइपरवाइजर, हाइपर टेक्स्ट होता था एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू करते थे। दूसरा, अगर कंसोल केबल नहीं है तो आपको CIMC पोर्ट के थ्रू करना है GUI से, तो आप CIMC पे जाके आप लॉगिन करोगे, आप उसमें यूजर आईडी पासवर्ड ये सब डालोगे, आपको उसकी राउटिंग वाउटिंग कर लोगे, उसके बाद आप CIMC से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको दोनों नहीं है तो आप SOL के थ्रू कर सकते हो, SOL में आप जाओ, SOL के थ्रू लॉगिन करो, आई मीन CIMC के थ्रू पहले इंटर करो, CIMC को इंटर करने के बाद आप जो है SOL को इनेबल करो, उसके बाद होस्ट कनेक्ट कमांड डालोगे, आपको पुटी में आपको काला स्क्रीन मिल जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ कंसोल की तरह काम करता है। तो तीन तरीके होते हैं। तो सबसे इजी जो SOL होता है वो सबसे हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि मोस्टली हम लोग
कॉन्फिगर करते हैं या तो रिमोटली या तो सामने सामने खड़े होकर। तो जो मोस्ट दो इजी सबसे तरीका है वह कंसोल पोर्ट के थ्रू और सीआईएमसी पोर्ट के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको बायोस का पासवर्ड चेंज करना है तो जैसे ही आप सीआईएमसी से लॉग इन करोगे स्क्रीन डिस्प्ले होगा, आपको F2 दबाना होगा। जैसे ही F2 में दबाओगे आपको सेटअप यूटिलिटी खुल जाएगी और उस यूटिलिटी के अंदर आप सिक्योरिटी टैब में जाओगे और आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो, अगर आपको डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट रख लो, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे होती है, ये तो देखो ये दो पोर्ट होते हैं, ये तो जाते हैं लीफ में, ठीक। ये जो पोर्ट होता है वो सीआईएमसी पोर्ट होता है, और ये जो दो पोर्ट होते हैं वो मैनेजमेंट पोर्ट होते हैं, जिसमें आप नॉर्मल आप आईपी एड्रेस डाल के मैनेजमेंट के लिए एक्सेस करते हो। तो इसके थ्रू आप जो है लॉग इन करके आप गुई के थ्रू भी कॉन्फिगर कर सकते हो। तो अगर मेरे को सीआईएमसी के थ्रू लॉग इन करना होगा तो देखो मैं लॉग इन करूंगा तो इस तरह का आपको स्क्रीन खुलेगा, ठीक। एडमिन में जाऊंगा, एडमिन के अंदर जाके मेरे को नेटवर्क में जाना होगा और यहाँ पे आपको जो फिर निक की प्रॉपर्टीज में आपको जाके ये है मैक एड्रेस क्या है सब चेंज करने पड़ेंगे। वो सारा आप चेंज कर दोगे तो कॉन्फिगर हो जाता है वो चीज। लेकिन 99% केस में हम जो है कंसोल पे ही करते हैं कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि कंसोल पोर्ट, कंसोल केबल में सबसे इजी मेथड क्या होता है, मैंने भी जो किया वो कंसोल से ही किया है, ठीक है। तो कंसोल में सबसे इजी तरीका क्या होता है कि आपको स्टेप्स पूछता है कि आप क्या क्या करना चाहते हो। आप बस जैसे नहीं, हम जब राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं तो स्टेप्स पूछता है हमसे, अगर आप अगर बेसिक इंस्टॉलेशन मोड में अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो उसी तरह यहाँ पे स्टेप्स पूछेगा। तो सपोज मान के चलो आपने लैपटॉप लगाया, आपने कंसोल पे लॉगिन कर लिया, तो सबसे पहले क्या पूछेगा, इंटर दी फैब्रिक नेम, आपने नाम दे दिया एक। उसके बाद इंटर द नंबर ऑफ कंट्रोलर, तो आपके पास अगर तीन कंट्रोलर तो आप लगाओगे तीन। आपके कंट्रोलर की आईडी क्या है, पहली है दूसरी है तीसरी, तो आपकी पहली है तो पहला कंट्रोलर हो जाएगा, इसका नाम ये है। अब आपसे ये तीन चीज पूछेगा जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इंटर एड्रेस पूल ऑफ टैप एड्रेस। इसमें जो आप, या तो आप ये डिफॉल्ट ले लो या तो आप एक एक ऐसा सबनेट ले लो जिसको आप बाहर राउट नहीं करोगे। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा सबनेट लेना है जो आपकी इसकी राउटिंग आपको बाहर नहीं करनी। अब इस सबनेट का यूज क्या है, इस सबनेट का यूज क्या है कि जैसे ही स्पाइन और लीफ आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे एपी कंट्रोलर लगा दिया और आपने इसको बोला कि ठीक है भाई मेरा टैप का जो पूल है वो मेरा ये वाला है सपोज, तो जैसे ही एपिक इस लीफ को डिस्कवर करेगा, ये इस लीफ के ऊपर इस सबनेट से एक आईपी एड्रेस आ जाएगा 10.1.1.1 ऐसे कर लो। इसके ऊपर एक रेंडम आईपी आ जाएगी 10.10.10.5, इसके ऊपर आ जाएगी 10.1.1.100, इसके ऊपर आ जाएगी 10.1.1.10, इसके ऊपर आ जाएगी 10.1.1.15। ये जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन के लिए होता है, मतलब एक लीफ दूसरे लीफ से, एक स्पाइन दूसरे स्पाइन से इस आईपी पे बात करेगा, वो इस आईपी पे बात करेगा। इसीलिए इस सबनेट को हम बाहर राउटेबल नहीं करते। व्हाई? बिकॉज दिस सबनेट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन योर इंफ्रास्ट्रक्चर स्विचेस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट आईपी है, ये नहीं, ये मैनेजमेंट आईपी नहीं है। दिस विल बी, जैसे हमने याद है जब हम VXLAN पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि मेरा VTAP का सोर्स आईपी होगा, VTAP का सेकेंडरी डेस्टिनेशन आईपी होगा। ये वही VTAP का सोर्स और VTAP का सेकेंड डेस्टिनेशन आईपी बनता है, ठीक। अब आपको, अब ये ऑब्वियसली है कि सबनेट होते किसी ना किसी VLAN का पार्ट होगा, तो आप यहाँ पे VLAN आईडी दे दोगे। ऑब्वियसली ये भी VLAN आईडी आप दोबारा यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट यूज करोगे सबनेट। इसका मतलब क्या है, याद है जब मैं VXLAN पढ़ाता था तो आपको बोलता था कि अगर मेरा ब्रॉडकास्ट पैकेट आएगा तो VXLAN क्या करेगा, अगर मैंने फ्लडिंग इनेबल कर रखा है, मल्टीकास्ट मोड में कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो मेरे सोर्स पे तो मेरे VTAP का आईपी लगाएगा और डेस्टिनेशन पे एक मल्टीकास्ट एड्रेस दे देगा, वो यही पूल से देता है वो चीज, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ACI के अंदर VXLAN अपने आप चलता है, आपको बस ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ISIS प्रोटोकॉल चलेगा, आपस रीचेबिलिटी करा देगा और VXLAN अपने आप चल जाएगा, तो आपको कुछ अलग से VXLAN की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, ठीक है।
उसके बाद अब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आता है मैनेजमेंट के लिए कि आपका मैनेजमेंट कौन सा है, तो आप डाल दो 192 win68 1. टेबल, क्यों? क्योंकि ये बाहर से कभी मान के चलो लंदन में आप इंडिया में चेक करना है तो आपको इसको करना पड़ेगा. ये इसका होगा, उसका इंटरफेस होगा, उसका पासवर्ड. इतना कमांड आप डाल दोगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा. मतलब आप जैसे ही ये कमांड डालोगे, IS प्रोटोकॉल अपने आप चलेगी, VXLAN अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा. आपको कोई भी अलग से VXLAN की कॉन्फ़िगरेशन नहीं डालनी. जैसे मैंने पढ़ा था ना, हमने जब VXLAN पढ़ी थी तो हम जाके VTAP VN सेगमेंट डालते थे, VLAN को VXLAN में मॉडिफाई करते थे, BGP की कॉन्फ़िगरेशन डालते थे, कुछ नहीं करना. बस आपको कौन सी CLI कमांड मोड के में, साथ चलेगा ये? मतलब ये VXLAN और ISIS कौन सी कमांड के साथ अपने चलेगा आप दोनों? कुछ नहीं आपको करना है. आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ. आपने अपने स्पाइन लीफ को कनेक्ट किया, एपिक कंट्रोलर को कनेक्ट किया अपने लीफ के साथ, पावर ऑन किया, कंसोल केबल लगाया. ये आपके जो 10 स्टेप है ये आप कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है? बाकी सब अपने आप चलेगा, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड. आप सोचो आपका पेन खत्म हो गया ना, VXLAN चलाना है, क्या चलाना है, तामझाम, कितना इजी हो गया. तो एपिक कंट्रोलर अपने आप सब फैब्रिक में इनेबल कर देता है, आपको कुछ नहीं चलाना. और जो भी मैनेजमेंट IP एड्रेस होगा इसका, उसके थ्रू आप IP डालोगे और ब्राउजर में HTTPS कर दोगे तो आपको एक्सेस GUI मिल जाएगा आपके AP कंट्रोलर का. तो बस आपको ये फॉलो करना है. तो आप, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ. AP कंट्रोलर के 3 तरीके होते हैं. कंसोल पोर्ट होता है, CIMC पोर्ट होता है, और आपका क्या बोलते हैं, SOL पोर्ट होता है, ठीक है? CIMC पोर्ट क्या होता है कि आप क्या करोगे, CIMC पोर्ट पे लॉगिन करोगे बाय डिफॉल्ट, जो उसका IP एड्रेस होता है उसके थ्रू. अगर आपको उसको चेंज करना है तो उसको चेंज कर लो, क्योंकि आपको राउटिंग कार्ड पड़ेगी उसके लिए. आप राउटिंग वाउटिंग इनेबल कर दो, CIMC पोर्ट के थ्रू आप लॉगिन कर जाओगे. अगर आपको जो है उसको वो करना है, कंसोल से लेना है, तो आप कंसोल केबल डाल सकते हो. ठीक है? या तो फिर आप उसको SOL के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है? तो सबसे इजी क्या होता है कि आप जो है कंसोल के थ्रू कर लो, क्योंकि इसके आगे आपको CIMC एड्रेस का भी पूछेगा करने के लिए. तो आप ये ऑप्शन देता है कि भैया अगर आपको CIMC चेंज करना है कि नहीं करना है. ठीक है?